शिवनी जिले के तहसील घनसौर के ग्राम खमरिया से रानू शिवहरे और उनके मित्र का परिवार पैदल यात्रा करते हुए मां शारदा के दर्शन के लिए मां शारदा धाम मेहर पहुंचे। रानू शिवहरे विगत 6 वर्षों से निरंतर मां शारदा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। 22 नवंबर 2019 को ग्राम खमरिया से मेहर मां शारदा धाम के लिए प्रस्थान किया और 31/12/2019 को घनसौर पहुँचे। माँ कुल्लू धाम में माँ का पूजन अर्चन कर माँ का आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर रवाना हुए। इन 48 दिन की यात्रा में ठंड, सर्दी और तमाम तरह की प्राकृतिक वातावरण की मार सहते हुए भी यात्रा पूर्ण की। श्रद्धा, विश्वास, आस्था को आधार बनाकर अपनी यात्रा भक्ति भाव के साथ पूर्ण की। ग्राम खमरिया से जो धार्मिक यात्रा इन्होंने शुरू की, उस यात्रा का पहला पड़ाव घनसौर, फिर गोरखपुर और बरगी जबलपुर सिहोरा कटनी होते हुए मां शारदा धाम मेहर पहुँचे और अपनी यात्रा को सफल बनाया। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से होते हुए रात दिन एक करते हुए बड़े ही धैर्य के साथ एक दिन में 7 से 8 किलोमीटर की यात्रा करते थे। इस तरह तमाम विपरीत परिस्थितियों, परेशानियों का सामना करते हुए यात्रा को सुचारू रूप से चालू रखा। घनसौर से दिलीप यादव की रिपोर्टिंग। रास्ते में किस प्रकार की मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ा? किसी प्रकार की मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा। बढ़िया सहयोग मिला लोगों से, बढ़िया। माता ने हंसती खिलाती हुई माँ के दरबार पहुँचे हम लोग, और ले गई है माता ने और लौटा भी दी। आज हम घनसौर तहसील में पहुँच चुके हैं। तो मैहर धाम में आप कब पहुँचे? जी, मैहर धाम को हम 22 दिसंबर 2019 को माता के दरबार पहुँचे। और मतलब माता के दर्शन आपको कब हुए? 22 तारीख को हुए। 21 दिसंबर को माता के दरबार पहुंच चुके थे। 22 तारीख को हमने माता जी के दर्शन किए। माता के दर्शन करने से आपको कैसा लगा? माँ के महिमा के बारे में कुछ बताइए। बहुत सुख की अनुभूति हुई, क्या बताएं। उनकी लीला तो कोई नहीं जानता, मगर आत्मा की जो बात है, बहुत सुख की प्राप्ति हुई। ऐसा सुख कहीं नहीं मिलेगा। रानू शिवहरे जी, आपके साथ और कौन कौन लोग थे? जी, हमारे मित्रगण हैं, पूरा परिवार है उनका। अपने टीकाराम विश्वकर्मा है, बलराम विश्वकर्मा लुटमरा गांव के रहने वाले, उनके पत्नी हैं, बच्चे हैं, पूरा परिवार है उनका। 9 लोगों का उनका परिवार गया साथ में। बढ़िया, सकुशल पहुँचे, सकुशल घर वापस आ गए। माँ जगदम्बा की इतनी कृपा भाई साहब की आप कुछ नहीं कह सकते हैं। इस बारे में मैहर धाम से यात्रा करके आप वापस आ रहे थे, तो वापसी में आपके क्या अनुभव हैं? बहुत अनुभव, हमें एहसास ही नहीं हुआ कि आज 8 दिन हो गए हमको चलते हुए। न शरीर में किसी प्रकार की थकान है, न किसी प्रकार का कष्ट है। बढ़िया, माता जी के कृपा से बिल्कुल खींचे चले आ रहे हैं। आप इतनी ठंड में भी इतनी मतलब कठिन यात्रा कर रहे हैं जी, तो आप कैसे कर पाई यात्रा? सब उनका नाम लेके निकल गए, तो किसी प्रकार का एहसास ही नहीं हुआ कि ठंड है कि धूप है कि या किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है शरीर में। किसी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं, बस माँ का नाम लिए और चलते रहे। स्वास्थ्य में कोई विपरीत असर पड़ा? नहीं, बिल्कुल स्वास्थ्य में किसी प्रकार का असर नहीं है शरीर में। वो बढ़िया शरीर एकदम कहना चाहिए फिट है पूरा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।